हे गाइस, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो ग्रेजुएशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक का नाम है इंडिया यूएस रिलेशंस, भारत और अमेरिका के संबंध कैसे हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, और इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले बैकग्राउंड की बात पढ़ेंगे इसकी, कि इंडिया यूएस रिलेशंस के बैकग्राउंड कैसे थे। उसके बाद हम लोग ट्रेड रिलेशंस की बात करेंगे, और साथ साथ हम कुछ पॉलिटिकल और रीसेंट डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करेंगे, और न्यूक्लियर कॉपरेशन की बात करेंगे। तो डिटेल में करेंगे इस वीडियो को, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड की। तो कोल्ड वॉर के दौरान अगर हम लोग जाएं, तब दो सुपर पावर्स दुनिया के अंदर थी, एक अमेरिका और सोवियत यूनियन। तो हिस्टोरिकल हम बात करें, ऐतिहासिक तौर पर बात करें हम लोग, तो भारत के जो रिलेशंस थे वो कुछ हद तक सोवियत सिस्टम से, मतलब यूएसएसआर के साथ ज़्यादा स्ट्रांग थे एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। तो बैकग्राउंड में भारत के रिलेशन अमेरिका के साथ ज़्यादा बेहतर नहीं थे, हालांकि भारत नाम को फॉलो करता था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करता था। अभी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है, इसके बारे में एक पूरी वीडियो बना रखी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो शुरुआत में ऐतिहासिक तौर पर भारत के रिलेशंस अमेरिका के साथ इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो उसके राइवल पावर के साथ स्ट्रांग थे जो कि सोवियत यूनियन था। और इसके जवाब में अमेरिका के रिलेशंस भी कुछ हद तक पाकिस्तान के साथ ज़्यादा बेहतर थे एज़ कम्पेयर टू इंडिया। लेकिन उसके बाद कोल्ड वॉर खत्म हुआ, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, तो भारत का एक बहुत मुख्य दोस्त, एक इम्पॉर्टेंट फ्रेंड था सोवियत यूनियन, उसके डिसइंटीग्रेशन होने के बाद, उसके विघटन मतलब उसके ख़त्म होने के बाद, भारत अब इंटरनेशनल एरिना के अंदर पूरी तरीके से फ्रेंडलेस था। तो 1991 के अंदर डिसइंटीग्रेशन हुआ, और ये वो टाइम भी था जब भारत ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था, मतलब भारत ने ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट किया था। तो एक तरफ तो भारत का कोई दोस्त नहीं था इंटरनेशनल एरिना के अंदर, और दूसरी तरफ भारत ने जब ग्लोबलाइजेशन को, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अपनाया था, लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया था, ये एक इम्पॉर्टेंट और अट्रैक्टिव फीचर था अमेरिका के लिए भी। तो दोनों की तरफ से आप समझिए, यहाँ भारत को भी एक दोस्त की ज़रूरत थी इंटरनेशनल एरिना के अंदर, एक स्ट्रॉन्ग दोस्त की ज़रूरत थी, और दूसरी तरफ अमेरिका को भी दिख रहा था कि भारत जो है अभी ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट किया है, कैपिटलिज्म की तरफ भारत शिफ्ट किया है, तो अमेरिका के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी थी भारत के साथ रिलेशंस बनाने में। तो भारत को भी फायदा था और अमेरिका को भी। तो ये बैकग्राउंड था इंडिया अमेरिका रिलेशंस। अब बात करते हैं ट्रेड रिलेशंस की, मतलब व्यापारिक संबंध की। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 1991 के बाद जब भारत के अंदर ग्लोबलाइजेशन आया, जब भारत ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया दुनिया के सभी देशों के लिए, कि वो यहाँ पर आके अपने आप को इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये जो फीचर्स थे भारत के, क्योंकि भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी था, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, उसके साथ साथ भारत के अंदर लैंड भी काफ़ी सारी है, रिसोर्सेज भी काफ़ी सारे हैं, लेबर भी बहुत आराम से अवेलेबल होती है, तो ये सभी फीचर्स थे जो कि एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाते हैं भारत को FDI के लिए, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भारत एक बिल्कुल बेहतरीन जगह थी, और यही चीज़ अट्रैक्ट कर रही थी किसी भी कैपिटलिस्ट कंट्री को, इंक्लूडिंग द अमेरिका। तो ये सारी चीज़ें देख के अमेरिका को भी लगता था कि भारत के अंदर बहुत ए लार्ज सेक्शन ऑफ मिडिल क्लास एग्जिस्ट करती है, इसलिए पूरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अमेरिका के पास, कि अगर वो भारत के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिहाज से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो ये सभी फीचर्स थे, इसलिए अमेरिका भारत के साथ आया और दोनों के ट्रेड रिलेशंस काफ़ी हद तक इम्प्रूव होने शुरू हुए। अगर मैं कुछ डेटा और फैक्ट की बात करूँ, तो भारत के लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका उसका सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और अगर अमेरिका के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया इज़ द 11th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द US। हालांकि ये डेटा और फैक्ट टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, अगर आप इसे बिल्कुल अपडेट रहना चाहते हो तो आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ट्रेड रिलेशन में एक और बूस्टअप आया भारत और अमेरिका के बीच में, वो था 2005 में, जब 2005 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया गया, ओपन स्काइज एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के बीच में किया गया, और इसको करने का बहुत सिंपल सा पर्पस था कि दोनों ही देशों के बीच में कमर्शियल और ट्रेड ट्रांजैक्शंस, मतलब व्यापारिक लेन देन को बढ़ाने की दिशा में ये एग्रीमेंट को साइन किया गया। और इसके अलावा बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो कि अमेरिका में जाते हैं, चाहे वो स्टडीज़ के लिए जा रहे हों, जॉब के लिए जा रहे हों, फॉर द सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और अब देखते भी एग्जाम्पल है उसका, एक सिलिकन वैली जो कि एक इंडस्ट्रियल प्लेस है अमेरिका के अंदर, उसके अंदर कई लाखों के हिसाब से इंडियंस वहाँ पर काम करते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया और US के बीच में न्यूक्लियर कॉपरेशन को लेकर। तो न्यूक्लियर कॉपरेशन को लेकर बात की जाए तो इसका इतिहास भी दोनों देशों के बीच में बेहतर नहीं रहा है। अमेरिका जो है भारत के एक न्यूक्लियर स्टेट बनने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं था, उसके फेवर में नहीं था, मतलब अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत एक न्यूक्लियर पावर स्टेट बने, लेकिन उसकी मर्जी के बावजूद जाकर भारत ने
सबसे पहले 1974 के अंदर, फिर उसके बाद 1998 के अंदर दो बार अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिससे अमेरिका बेहद नाराज़ हुआ और जिसके जवाब में अमेरिका ने बहुत सारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सैंक्शंस भारत के ऊपर लगा दिए, मतलब आर्थिक और राजनीतिक पाबंदियां बहुत सारी भारत के ऊपर लगाना शुरू कर दी। लेकिन वो रिलेशंस भी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हुए जब 2001 के अंदर राष्ट्रपति बुश भारत आए और उन्होंने जो है भारत के ऊपर काफ़ी सारे जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन प्रिवेंशन एक्ट के तहत जितने भी सैंक्शंस पाबंदियाँ लगी हुई थी उन सबको हटाने का काम किया। इसके बाद दोनों के बीच में रिलेशंस और भी ज़्यादा बेहतर हुए जब 2006 के अंदर अमेरिकी सरकार और भारत सरकार के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसको हम हेनरी जे हाइड इंडिया यूएस पीसफुल एटॉमिक ऑपरेशन एक्ट के नाम से जानते हैं। और इस जो एक्ट था, ये जो एग्रीमेंट था, इसके तहत भारत को जो है डायरेक्ट तौर पर सीधे तौर पर सिविलियन न्यूक्लियर कॉमर्स के लिए जो रास्ते हैं भारत और अमेरिका के बीच में वो पूरी तरीके से खुल गए। यहाँ पर मतलब क्या है, यहाँ पर आसान भाषा में मतलब ये है कि भारत अब जो है सीधे अमेरिका से न्यूक्लियर रिएक्टर्स और फ्यूल को अपने सिविलियन यूज़ के लिए खरीद सकता है। अब हम बात करेंगे रीसेंट डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली मिल जाएंगी। आप सीधे तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट चेक कीजिए और जिस भी आप क्लास में उस प्लेलिस्ट में जाकर अपनी वीडियोस देख सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे पेड नोट्स आते हैं, उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर हमें कमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात की जाए तो ईयर 2000 से पहले तो इतने ज़्यादा विजिट इंडिया और यूएस के लीडर्स की नहीं होती थी आपस में एक दूसरे के देश में, लेकिन उसके बाद काफ़ी हद तक फ्रीक्वेंट विजिट्स बढ़ी दोनों ही देशों के पॉलिटिकल लीडर्स की। तो जिसमें सबसे पहले हमने देखा प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे वहाँ के, जो कि पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने, भारत के चीफ गेस्ट भी थे वो 66th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में, जो कि 26 जनवरी 2015 को ऑर्गेनाइज किया गया। और उसके अलावा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी जब भी अमेरिका के अंदर जाते हैं हमेशा वहाँ के एंटरप्रेन्योर से, मतलब बिजनेसमैन से मिलते हैं और उनको हमेशा भारत में आने के लिए मेक इन इंडिया के तहत इनवाइट करते हैं कि भारत में आके वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट करें। और उसके अलावा हाल ही में 2016 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ भारत और अमेरिका के बीच में, जिसका नाम है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है, इस मेमोरेंडम का जो एग्रीमेंट था इसका मकसद बहुत सिंपल सा है कि अमेरिका ने इसके तहत भारत को अपने एक मेजर डिफेंस पार्टनर के रूप में मान्यता दी है, रिकॉग्निशन दी है। तो ये कुछ रीसेंट डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। उसके अलावा हमने अभी फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रिलेशंस को भी देखा, वो भी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग थे। तो ये हो गया हमारा पूरा रीसेंट डिप्लोमेटिक रिलेशंस। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ आया होगा, जिसके अंदर हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की भी बात की, कुछ पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात की, ट्रेड रिलेशंस की बात की और न्यूक्लियर कोऑपरेशन की बात की। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।